फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमडी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो भाई हाजिर हूं मैं आपके लिए अपने 12th सीरीज के लिए, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, हमारे चैनल ने साउथ सिटी पीसीएमडी ने प्रॉमिस किया आपसे कि हम अब आईएससी क्वेश्चन और नीट पीवाईपी उस पे चर्चा करें, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत कम बचा है, एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए पेपर की तैयारी करना है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रखेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्दर कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें आपको जैसा कि पता है कि साउथ सिटी पीसीएमडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी आपको एक ही चैनल पे मिलता है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, देन आप आसानी से हमारे चारों कोर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को ले सकते हैं। और हालांकि आप तो सब में पीवाईक्यू चल रहा है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके अच्छे से जा करके एंजॉय करें और अच्छे से तैयारी करिए अपनी। तो चलिए, जैसे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम पे, हमारा चैप्टर हुआ था बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन पे, कुछ क्वेश्चंस हमारे हुए थे, नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे, एम्स में पूछे गए थे या फिर एमसीए क्वेश्चन पूछे गए थे। और अब हम आज बात करेंगे, अपना चैप्टर उठा रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो हमारा चैप्टर है बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे हमने बात करी, अगर हम तो पॉपुलेशन और टाइम के रिगार्डिंग एक ग्रोथ कर्व बनता था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पर हमें बेसिकली बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म में और एक पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या है। सेकेंड थे हमको बताई गई है कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हमें डेथ रेट, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इन सब के बारे में बताया गया। साथ ही साथ एज पिरामिड्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे। तो थ्योरेटिकल तो है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा इन चैप्टर से स्किल बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं और वो क्वेश्चन हम आपके सामने अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, टॉपिक हमारा चलेगा आईएससी नीट पीवाईक्यू। मैं आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन उठाता हूँ। सबसे पहले आईएससी पैटर्न में बात करें, क्योंकि हमारे लिए अभी फिलहाल, जैसा कि हमारे चैनल ने कमिटमेंट किया था कि हमारे लिए अभी हमें एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हम आते हैं सबसे पहले वन मार्क क्वेश्चन की तरफ। कहता है पहला क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ किलिंग एंड ईटिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। देखिए, ये सब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स ही है कि एक पॉपुलेशन के बीच में क्या क्या रिलेशन है। मारपीट भी होती है, प्रेडेशन भी चलता है, कॉमन सेलिज्म भी है, एमेंसेलिज्म भी है, फायदा भी दे रहे हैं, नुकसान भी दे रहे हैं, उन सारी चीजों को हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ किलिंग एंड ईटिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो जब भाई आप किसी को मार रहे हो, मार के खा रहे हैं, तो आपके लिए फिर एक ही चीज आकर बसती है कि ये तो भाई क्या कर रहे हैं, आप शिकार कर रहे हैं, यानी कि प्रेडेशन कर रहे हैं, और आपका आंसर चला गया प्रेडेशन। आपका आंसर आया प्रेडेशन, ये आपका जवाब हो गया प्रेडेशन। इधर आए आंसर, द फिनोमेना ऑफ किलिंग पूछा गया था आईएससी 2021 में, रिसेंटली का ही क्वेश्चन है 2021 का। देखिए 2023-24 चलेगा, हो सकता है बैकअप मार सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कहते हैं इफ 10 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 100 माइस डाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो टाइम जो दे रहा है 1 ईयर का टाइम है, और कह रहा है कि 1 ईयर के टाइम में कितने बर्थ हुई है, यानी हम बी से बर्थ मान लें, सॉरी डेथ हुई है, बर्थ नहीं हुई है, माफ करिएगा मुझे, डेथ हुई है, यानी जो डेथ आई है वो डेथ है कितनी, 100 माइस मर गए हैं भाई, एक साल में 100 माइस मरे हैं एक लेबोरेटरी में। इफ 10 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 100 माइस डाई ड्यूरिंग द पीरियड, If 10 individuals in a laboratory population of 100 mice die during the period of 1 year, एक साल में 10 individuals, यानी starting की जो population हमारी थी वो हमारे 10 थी, और एक साल में जो भी हुआ, बढ़े भी होंगे घटे भी होंगे, तो उसमें इतने लोगों की death हो गई। अब death हो गई तो आपसे पूछना है death rate क्या होगी, तो death rate निकालने के लिए आपने करना क्या है, आपने ये तो हमारा n है, आपने n अपॉन d कर देना है, जिससे आपकी डेथ रेट निकलेगी। मैं चाहूं तो इसको शॉर्ट में कर दूं, स्मॉल d कर देता हूं, ये हमारी डेथ आ जाएगी। एक टाइम में
इतनी डेथ हुई है, टोटल जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर हमारा जो प्रेजेंट जो नंबर थे स्टार्टिंग में साल के इनिशियल पे, तो वो थे हमारे 10। और एक साल बाद जो है ना आपका दैट ईयर वन ईयर 100 माइल्स डाई से, तो ये 0 0 कट हुआ। अब ये 0 कटना है तो इक्वल में 0.1 आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर 0.1 देखा जाए तो आंसर ये है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि हमें जितने भी डेथ हो गई है 100 डेथ हो गई है ना, उतने नीचे रख दिए अपर साइड पर दिए, तो क्या वो 0.1 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप डेथ रेट निकालें, ऐसे ही आप बर्थ रेट भी निकालेंगे। इसके बाद आईएसटी 2021 में एक क्वेश्चन और आया है, कह रहा है डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी मतलब आप जानते हैं कि तरीके से स्टेबिलिटी। कह रहा है पॉपुलेशन में वो जो एक इंडिविजुअल प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम में, सपोज आपने एरिया में, और एरिया में आपने 1000 स्क्वायर मीटर पे आपने कवर किया जगह, और वहां की पॉपुलेशन को काउंट किया, और ईयर चल रहा 2023, तो आपने 2023 में उस पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन काउंट करी, उस टोटल पॉपुलेशन को आप बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम, सिंपल सी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। हम इसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी नाम देंगे। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो 2021 का क्वेश्चन था ये। अब आ जाइए 2022 का क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन है, बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अंतर से इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, डिफाइन ब्रूड पैरासिटिज्म। देखिए, ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि पैरासिटिज्म तो कर रहे हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो हमारी कुकू होती है, यानी ब्रूड पैरासिटिज्म इज द फिनोमेना ऑफ लेइंग एग्स बाय वन बर्ड इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड। तो हमारी जो कुकू होती है, कुकू कुकू यानी कोयल, अपने बर्ड्स अपने एग को ये हमारे क्रो के एग में रख देती है। बहुत लोग समझते हैं कि कौवा फीमेल वर्जन कोयल होती है, तो ऐसा नहीं है, क्रो की एक अलग स्पीसीज है, कोयल की कोयलों की एक अलग स्पीसीज है। तो करते क्या है, कुकू इनके एग्स काफी मैच करते हैं एक दूसरे से, कुकू के और क्रो के। तो करते क्या है, कुकू अपने एग्स को जाकर के ले कर देती है कहां पर, क्रो के नेस्ट पे, और वहां पर वो क्या होती है, बच्चे रहते हैं। उसको लगता है क्रो को कि ये मेरे बेबी है, वो बेबी को पालते रहते, लेकिन जब बड़ा होता है तो वो क्या बनती है, कोयल बन जाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 का एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर ऑल द क्रोज डिसअपीयर्ड फ्रॉम एन एरिया द पॉपुलेशन ऑफ कुकू स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। देखिए आगे ना इसी क्वेश्चन से मैच करता हुआ है, क्यों कुछ समझ जाइए, अगर क्रो की स्पीसीज खत्म हो रही है, डिसअपीयर हो रही है, तो कुकू की भी खत्म हो जाएगी। कुकू की स्पीसीज कर लीजिएगा, क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुकू अपने एग को लेइंग कर रही थी क्रो के नेस्ट में। अब क्रो की डिसअपीयर हो रही है तो कुकू भी डिसअपीयर हो जाएंगे। एक तरीके का रिलेशन होता है कि जब एक स्पीसीज खत्म हो गई तो दूसरी स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। कॉमन सेंसम एक्सप्रेशन में आते हैं, चलिए देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर ऑल द क्रोज डिसअपीयर फ्रॉम एन एरिया द पॉपुलेशन ऑफ कुकू स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। व्हाई, ड्यू टू ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूट पैरासिटिज्म हो रहा था, अभी तक वो एग अपने लेकर रही थी क्रो के नेस्ट पे, अब क्रो तो रहे नहीं है तो नेस्ट कहां से होगा, तो ये ब्रूट पैरासिटिज्म नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होते हैं, फिफ्थ हो गए हमारे, चलिए फिफ्थ के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग से उठाते चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो इस पे लिए मैं आपको अपने डायरी बता देता हूं एज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।
किसी भी सोशल हो, किसी भी पॉपुलेशन में हो, एक पॉपुलेशन में तीन तरीके के लोग हमें दिखाई पड़ेंगे। पहले वो लोग जो जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, अभी ग्रोइंग में है, अभी ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में करेंगे। दूसरे हमारे भाई साहब हैं जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ये अभी करें तो हमें क्रॉस ना करके हम थोड़ा सा इसमें दूसरा कुछ कर दें, दे ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, अभी फिलहाल के लिए स्टॉप हुआ है, लेकिन फर्दर फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन करेंगे। थर्ड पर्सन वो आ गया भाई जो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, यानी पॉपुलेशन में थ्री टाइप के हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। एक जो फर्टिलाइजेशन अभी एबल नहीं है, आने वाले समय में एबिलिटी आ जाएगी। सेकेंडली वो जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर ले रहे हैं, और थर्ड वो जिन्होंने परमानेंट खत्म कर दिया है। तो हमने इन फर्टिलाइजेशन वाले भाई साहब को नाम दिया है, ये हमारे प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रो रिप्रोडक्टिव है, जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव। वो हमारे हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव, और जो खत्म कर चुके हैं, खत्म हो गया हमने फर्टिलाइजेशन की पावर, वो भाई साहब हमारे हो जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये आपके नॉलेज के लिए है। अभी इस पे क्वेश्चन एक आगे आएगा, इस पे हम वहां फिर डिस्कस करेंगे। तो हमें ये चीज याद रखना है, एज डिस्ट्रीब्यूशन के तीन पार्ट कर रहे हैं, एक जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव होंगे, एक जिनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस खत्म यानी चालू रहेगी, बरकरार रहेगी, रिप्रोडक्टिव है, और तीसरे जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस खत्म ही हो जाएगी, वो है हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इन्हीं के हिसाब से हम पिरामिड्स बनाते हैं किसी पॉपुलेशन में एज को ध्यान रखते हुए, तो उसे बोलते हैं एज पिरामिड्स। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम सेकंड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स पे है, देखिए क्वेश्चन कैसे देता बोर्ड, कह रहा है स्टडी द, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, आ जाइए भाई साहब ऐसे, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और कह रहा है स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए ये एक तरीके का पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होता है, तो उस ग्रोथ कर्व के लिए कैसी ग्रोथ हो रही है उस पॉपुलेशन में, उसके हिसाब से एक फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है। ये फ्लो चार्ट बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी संकोच ना करें पढ़ने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है राइट द स्टेटस ऑफ फूड एंड स्पेस इन द कर्व ए एंड बी। देखिए कर्व ए में बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा जे शेप्ड कर्व, इसको बोलते हैं जे शेप्ड, ये हमारा है J-shaped curve है, और आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये S टाइप का shape बनता है, इसे S-shaped curve या sigmoid curve कहते हैं, ये हमारा है sigmoid curve। दो टाइप curve हो गए, J-shaped curve हो गया, दूसरा sigmoid curve हो गया। ये जो curve होता है बेटा ना, इस curve की क्या बात खास बात होती है, यहाँ पर limitless यानी कि limitless है, आप इसको कह सकते हैं full of अनलिमिटेड सोर्स अभी यहां पर आपका क्या है, लिमिटेड सोर्स है, ये लिमिटेड सोर्स है, दो अलग अलग है। अनलिमिटेड सोर्स है, देखिए तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जबकि लिमिटेड है तो एक टाइम के बाद वो क्या हो रही है, रुक रही है, एक टाइम के बाद वो स्टेबल हो रही है। चलिए क्वेश्चन का जवाब देते हैं, राइट द स्टेटस। तो भाई यहां पर फूड एंड स्पेस क्या है,
सफिशियंट है, अनलिमिटेड सोर्स है, तभी तो जे बढ़ा, जबकि यहां पर क्या है, लिमिटेड है। और रियल में देखा जाए तो इसी को लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, और ये एक्सपोनेंशियल तीन नाम देखिए निकल रहा है, इसी को क्या देंगे हम कहेंगे, इसी को हम कह देंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और ये क्या है हमारा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इतने नाम आ गए आपके पास। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखा है, लॉजिकल ग्रोथ कर्व यही है, बिल्कुल लॉजिक है ये, हर चीज जिंदगी में ऐसा नहीं खत्म नहीं होनी है, कभी ना कभी तो कोई चीज खत्म ही हो जाएगी, भले फॉरेस्ट कितना बड़ा हो, कंटिन्यूअसली आप उसका अगर कंजप्शन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो एक बार वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा। इसलिए बोला जाता है कि ये जो ग्रोथ कर्व है लॉजिस्टिक, ये रियल ग्रोथ कर्व है। लेकिन अब हम कह भी नहीं सकते हैं कि बहुत से ऐसे रिसोर्सेज है भाई जो खत्म ही नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में, तो क्या अनलिमिटेड सोर्स हो गया, उसको नाम दिया गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। In the absence of predator, which one of the two curves would appropriately depict the prey population? Kehna, in the absence of predator, ab predator hai hi nahi hai, which one of the two curves would appropriately depict the prey population? Bhai simple si baat hai, ye badh jayega, J wala, koi hai hi nahi, limit hi nahi legi kisi cheez pe, predator hai hi nahi hai, death rate kam ho jayegi, to yehi wala aapka ho jayega A answer. Fir kehna, time has been shown on x axis. Time has been shown on x axis and there is a parallel dotted line above it. Give the significance of the dotted line. देखिए ये जो dotted line आप देख रहे हैं ना, ये dotted line एक बता रहा limit को कि इसके बाद limit cross कर गए। इसे हम बोलते हैं, इस dotted line को बोलते हैं, case define करते हैं इसको, बोलते हैं carrying capacity. बोलेंगे carrying capacity. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है, ये भी डिफाइन पूछा था बोर्ड में कि कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है। देखिए कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है झेलने की क्षमता, वो कॉमन टर्म में बताएं तो। एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट पे अगर डियर सहरे में हर्बीवोरस डियर्स है और डियर्स कंटीन्यूअसली ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग करती जा रही है, ओवर ग्रेजिंग करती जा रही है, यार तो एक लिमिट है ना, एक लिमिट के बाद तो ग्रासेस खत्म हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, फिर डियर को मरना पड़ेगा। तो नेचर का एक अपना लिमिट है, वो कहता है कि अप टू लिमिट आप चीजों को यूज करिए, अप टू लिमिट के बाद फिर वो भी संभाल नहीं पाएगा, इसी को कैरिंग कैपेसिटी नाम दिया जाता है। और कैरिंग कैपेसिटी के लिए जो हम लेते हैं सिंबल वो होता है के। क्लियर, ये तीन क्वेश्चन कंप्लीट हुए, चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे हैं अगले क्वेश्चन पे, काफी कुछ मैच करता हुआ उससे है, आईएससी 2022 का है, सेमेस्टर 2 का है, जब कोरोना टाइम चल थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। The following diagram represents the population growth curve. फिर वही क्वेश्चन ए भी है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सीधे आते हैं, आप काफी हद तक तो खुद ही कर लेंगे। What type of growth pattern are exhibited by the species A and B? कैसे ये कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, तो बेटा आपको पता है एक हमारा ए जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और हमारा बी हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ है। Give the mathematical equation to represent the growth curves of species A and species B. देखिए species A के लिए formula होता है dn upon dt is equal to rn. ये mathematical formula होता है। n एक time के बाद जो हमारा population है, at the time t ये number of population है, r हमारी intrinsic growth होती है, intrinsic growth r को हम कहते हैं in इंट्रिंसिक ग्रोथ होने की हमारी। क्लियर, अच्छा अब बी वाले पे देखिए कैरिंग कैपेसिटी लग गई है, ये तो भैया पे जब कोई लगाम नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन के लग गया मतलब कैरिंग कैपेसिटी है, तो जब कैरिंग कैपेसिटी के लिए के लग जाता है तो फॉर्मूला बनता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू के माइनस एन अपॉन के मल्टीप्लाई बाई आर एन। यानी एक चीज ये जोड़ दो जाता है, ये क्या है, ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, इसको नोट करिए, ठीक है, डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर एन है के, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए।
दो फॉर्मूले हो गए, dn upon dt is equal to rn, ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, dn upon dt is equal to k minus n upon k is equal to rn, ये हमारा हो जाएगा k minus n upon k, okay. In the diagram, what does the horizontal line k represent? तो भैया बता दिया, horizontal line k represent carrying capacity, okay? चलिए आगे चलते हैं, और अगले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है बेटा जो मैं लेंगे, और देखिए पिरामिड्स पे आ गए, देखिए प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब ये एक एज पिरामिड है, तो 2011 का क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एज पिरामिड। मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा कि ये जो क्वेश्चन मैं जो भी ले रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ सॉल्व करते चले, समय कम है, जल्दी जल्दी हम लोग को पढ़ना है सारे चैप्टर्स ऐसे। Which type of human population is represented by this age pyramid? किस टाइप का हमें जो human population में देखने को मिलता है? देखिए, जब किसी population में आप देखेंगे सबसे छोटा ब्लॉक किसका चला रहा, कम हो रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव, यानी प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, कम है, प्रीप्रोडक्टिव कम है, और रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है ज्यादा, इधर पोस्ट कम है। यार मेरे को एक चीज बताओ, अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है, आने वाले समय में यही बच्चे तो जाकर के पिताजी बनेंगे, रिप्रोडक्शन यही बच्चे तो करेंगे आगे जाकर के, और जब किसी पॉपुलेशन में बच्चे ही कम हैं, तो यंग कैसे बनेंगे? यंग होने के लिए बच्चों का होना जरूरी है, तो यार ऐसे तो पॉपुलेशन बेकार हो जाएगी ना, खराब हो जाएगी पॉपुलेशन। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि बच्चे ही नहीं है, तो हमारे पास युवा कहां से आएंगे, एडल्ट कहां से मिलेंगे हमको? तो इस जगह पे एक बात घटती है कि ऐसे ही अगर पॉपुलेशन कहीं पर है जहां बच्चे कम है, तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, तो ऐसे पिरामिड्स को हम क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर कहीं पर प्री रिप्रोडक्टिव बड़ा मिल जाए, तो फिर बच्चे ज्यादा है, युवा भी ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ऐसे पॉपुलेशन को एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी, बच्चों पे डिपेंड कर रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव पे डिपेंड कर रहा है। और अब जब कभी भी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम हो, इक्वल अमाउंट में हो, तो भाई फिर क्या है, वो स्टेबल है, जितने बच्चे उतने युवा, स्टेबल पॉपुलेशन। नॉर्मल सा है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछेगा, और आप आसानी से पढ़े क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब जमाना इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का नहीं रहा, तो 2019-20 की बात रही है, अब बहुत स्किल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, और फिर भी एक टॉपिक तैयार करने के लिए मैंने सोचा कि आपको ये दिखा दें, एग्जांपल टॉपिक तैयार कर लिया जाए। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन सक्सेस, ये मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तो लर्न कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, गिव वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, नेटलिटी एंड मोर्टेलिटी। समझ लीजिए, इमी में आई आ रहा है, आई से बोले तो इन, ऐसे पंडा तैयार कर लेना, आई बोले तो इन, ई बोले तो एग्जिट कर रहे हैं। यानी जब किसी पॉपुलेशन है 100 बर्ड्स है, 100 बर्ड्स में आकर के 5 बर्ड्स एड हो गई है, तो वो जो 5 आ गई है वो क्या है, इमिग्रेशन कर रही है, इन कर रही है किसी पॉपुलेशन में। और जब किसी पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म एग्जिट करे, 100 बर्ड्स एक जगह पे थी, 95 उड़ गई, बची कितनी, 5, तो 95 ने क्या किया, 95 ने किया इमिग्रेशन, इन और एग्जिट से पकड़ना है पहले बर्ड से। नेटलिटी क्या है, नेटलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, क्या होगा, बर्थ रेट, जब कोई पैदा हुआ है, जैसे पीछे में पढ़ के आया बर्थ रेट, डेथ रेट पे क्वेश्चन, ऐसे अगर कोई पढ़ रहा है पॉपुलेशन में पैदा हो रहा है तो नेटलिटी है, मर रहा है मोर्टेलिटी है ना, साफ सुथरा गया MOR, मर रहा है। ऐसे फंडे से आपको पकड़ के कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, तब पे कुछ कर पाएंगे भाई, तो मर रहा है मोर्टेलिटी है, पैदा हो रहे हैं नेटलिटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी से, काफी रफ्तार के साथ हम बढ़े हैं। मेडिकल एक क्वेश्चन के पास पहुंचने से पहले थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन और हो जाए हमारा, हमारे ISC पे मेडिकल तो इंपॉर्टेंट है ही है, चलिए खुद ही पढ़ते हैं मेडिकल पे, जो होगा देखा जाएगा। चलिए मेडिकल पे चलते हैं, आ जाते हैं AFMC 2000 पे।
इन कॉमन सेलिज्म एफएमसी का क्वेश्चन है, बढ़िया। कह रहे बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, ओके, बोथ पार्टनर्स आर हार्म्ड, ओके, ये तो हो नहीं सकता है, साफ साफ हटा दीजिए। वीकर इज बेनिफिटेड व्हाइल स्ट्रॉन्गर इज अनहार्म्ड, हटा दीजिए। None of the above, हटा दीजिए, तो ले देके आपका आंसर बचता है बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल ये है कि जब भी एक किसी पे क्वेश्चन और देता है, और हो सकता है इस बार स्किल बेस्ड क्वेश्चन दे दे ऑर्किड और वैप्स पे, फिग पे और वैप्स पे, फिग हमारा फ्रूट है, जंजीर कहते हैं, और वैप्स वैस्प, हमारा जो वैस्प है ये फिग का फ्लावर ऐसा होता है कि वैप उसके अंदर आसानी से अपने एग लेइंग करता है, और एग लेइंग करने के बाद ये उड़ जाता है, लेकिन साथ में उड़ के लेता क्या है, पॉलन ग्रेन लेके चला जाता है। तो जो वैप्स है ना, पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन यानी पॉलिनेशन कर रहा है, और जब ये पॉलिनेशन कर रहा है भाई, तो दोनों एक दूसरे का बेनिफिट ले रहे हैं। वैप्स ले रहा है, एग लेइंग की जगह मिल रही है, फिर क्या कर रहा है, उसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, यानी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। जब दोनों दूसरों को बेनिफिट देते हैं तो हमारा टमाटर निकल कर क्या, ये रिलेशन क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो रिश्ता कॉमन सेलिज्म कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 एएफएमसी का 2000 का क्वेश्चन ये भी है, अ सक्सेसफुल पैरासाइट इज वन ऑफ व्हिच, एक सक्सेसफुल पैरासाइट कौन होता है। पैरासाइट का मतलब जो हमारी बॉडी पर रहे, किसी की बॉडी के रहे और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट की खास बात है, वो पैथोजन भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में रहेंगे, हम इसे खाना लेंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखिए कह रहा है अच्छा पैरासाइट कौन होंगे भाई, ग्रोज रैपिडली, ओके, रिप्रोड्यूसेस फास्ट, ओके, स्टिक टू द होस्ट फॉर लॉन्ग, मेक्स मिनिमम डिमांड्स फ्रॉम इट्स होस्ट। देखिए अगर बात करी जाए एक सक्सेसफुल पैरासाइट क्या है, देखिए पैरासाइट वो है जो एक होस्ट से मिनिमम डिमांड करे, क्यों, इकट्ठा अगर उसने पैरासाइट्स ने सब खा लिया तो पैरासाइट खुद भी मारा जाएगा ना, तो आंसर क्या बनेगा, मेक्स मिनिमम डिमांड फ्रॉम इट्स होस्ट, अपने होस्ट से यार एक चीज बताओ तो मेरे पास आ जाओ, कहो सर पढ़ाइए, अब आप सर एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ा दीजिए तो हम तो फिनिश ना, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ करके हम लोग कितने चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं, और एक चैप्टर पे अगर हम लोग 30 क्वेश्चन भी करेंगे, 40 क्वेश्चन भी करेंगे तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन कैसे होगा, धीरे धीरे मिनिमम डिमांड रखो। एक पैरासाइट क्या करता है, मिनिमम डिमांड रखेगा तो लंबे समय तक टिका रहेगा अपने होस्ट के अंदर। म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन, अब देखिए म्यूचुअल है मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, बटरफ्लाई एंड फ्लावर, एस्केरिसिया कोलाई एंड मैन, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। तो देखिए म्यूचुअलिज्म में फायदा दोनों का होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों का फायदा होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हर बटरफ्लाई फ्लावर से करती नहीं है, लेकिन हमारा जो इकोलाई बैक्टीरिया है हमें रह रहा है और साथ साथ हमसे न्यूट्रिशन लेता है, और इसके बदले हमें इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट को भी बनाने में हेल्प करता है, मिनरल वेटवेंस को बनाने में भी हेल्प करता है हमारी बॉडी में इकोलाई। तो हमारा आंसर रहेगा, आपने सॉल्व किया एक तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए तेजी से और हम पहुंचते हैं अब अपने नए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देन आना चाहिए 17, तो आ गया है 17। देयर आर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि हमारे बुक में अगर सिंबल्स दिए आते हैं, यहां पर सिंबल के बारे में बता दूं, नेगेटिव जो साइन होता है, नेगेटिव ये नेगेटिव साइन हमारे नुकसान का है, पॉजिटिव साइन बेनिफिट का है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे करा जा रहा है, देखिए DPMT क्या था, पहले क्या है, सिलेबस DPMT से UPPMT था, है ना, DPMT है। Types of interaction that occurs in predation, तो यार predation में देखा जाए तो predation में एक को तो फायदा होता है और एक को घाटा होगा। शेर अगर हिरण को खाता है तो शेर का तो फायदा हुआ, लेकिन हिरण खत्म, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। एंड पैरासिटिज्म, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अकर्स इन प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में भी यही होता है, बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमें फायदा देता है और उसको तो फायदा मिल रहा है और हमें नुकसान पहुंच रहा है, दोनों उसमें सबसे पहला पॉजिटिव साइन आना चाहिए देन नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो मेरे भाई आपका आंसर डी होता है, चाहे वो प्रेडेशन हो या फिर पैरासिटिज्म हो, इन दोनों कंडीशन पे
सबसे पहले फायदा मिलेगा जो हमारा प्रीडेटर है उसको, और जो प्रे है वो खत्म। केरला 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑब्टेन्स सम बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन है, एक को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं कॉस्ट देना पड़ रहा है। सिम्बायोसिस में दोनों को फायदा हो रहा है, प्रेडेशन एक पे आया घाटा। ओके, फिर से देखो क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच वन ऑब्टेन सम बेनिफिट, थोड़ा बहुत बेनिफिट ले रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अदर इज। ओके, कॉस्ट देनी पड़ रही है, माने दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, उसे कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो भाई देखिए यहां पे सिम्बायोसिस भी कर सकते हैं, दोनों बेनिफिट लेंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर एक होस्ट में ऑर्गेनिज्म है रह रहा है तो दूसरे को उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ती है, कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी, उसको भी खाना पानी देना पड़ेगा। तो ऐसा राइजोबियम बैक्टीरिया में भी पाया जाता है जो पल्सेस के नोड्यूल्स में मौजूद होते हैं। एसोसिएशन इन विच वन इज बेनिफिटेड विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स, वन इज बेनिफिटेड, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को ना फायदा ना घाटा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो का साइन बनता है, एक को फायदा दूसरे को ना फायदा ना घाटा। तो भाई ऐसा जो हम देखेंगे वो हमें मिलेगा बेटा, सिम्बायोसिस में दोनों को फायदा होता है, सेप्रोफाइट्स में डेथ इंडिकेटिंग मटेरियल से फूड ले रहा है, ठीक है, पैरासिटिज्म में एक देखिए सेप्रोफाइट्स पे चले जाइए, एनसेलिज्म कॉमनसेलिज्म मैच्योरिज्म, कॉमन सेशन में मिलेगा बेटा आपको, एक को बेनिफिट होगा दूसरे को ना बेनिफिट होगा ना लॉस होगा, वो बस रह रहा है उसके साथ, खुद को फायदा कर रहा है लेकिन उसको कह रहा है तुम्हें कोई नुकसान कुछ नहीं होने देंगे। जैसे एपिफाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं केवल सहारे के लिए, वो कसकटा जैसे नहीं होते हैं कि प्लांट्स को खाने लग जाए, उनके डाइजेस्टिव फूड को अब्सॉर्ब करने लग जाए। तो एपिफाइट्स इसका एग्जाम्पल है जो प्लांट्स पे रहते हैं और प्लांट्स ना वाटर ले रहे ना कुछ ले रहे हैं लेकिन ना प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, फायदा ले रहे हैं खुद को लेकिन प्लांट को नुकसान नहीं दे रहे हैं, ऐसा रिलेशन है हमारा कॉमन सेंस। चलिए अगले पार्ट चलते हैं और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर आ गया, 37 देन 33 में आते हैं। चलिए अभी कभी हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए क्वेश्चन देखिए जरा, जैसा एक प्लांट है जो हाईली कार्डियो मतलब दिल की धड़कन को बढ़ा देने वाला है,
तो भैया एक बहुत ही कॉमन सा पेड़ है, मदार बड़ा सो दिन दिन बोलते हैं, बोटेनिकल नेम की बात करें तो कैलोट्रॉपिस कहते हैं, कैलोट्रॉपिस यहाँ पर आपका आंसर है। नीड्स 2016 का क्वेश्चन, The principle of competitive exclusion was started by competitive यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन होता है। कंपटीशन के बारे में हमारे गॉस साहब ने बहुत अच्छा बताया था कि ऑर्गेनिज्म जब दो ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन पे रह रही हैं, दोनों एक दूसरे से रिसोर्सेज एक ही है तो कंपटीशन होता है, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट कर जाता है। देखिए आगे गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कंपटीटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, बोला था ना आराम से बड़े सब एकदम क्लियर हो जाए कॉसेस के, अब इसके हिसाब से इस पे आंसर फॉलो करें निकालिए बात। कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज, लार्जर ऑर्गेनिज्म छोड़ो मोर अबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड लेस अबंडेंट स्पीशीज, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके निके जहां वो फंक्शनल जगह है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा। तो भैया इतने क्वेश्चंस आपने हमने सॉल्व कर लिए हैं, आई होप कि आपको कुछ तो तैयार हुआ होगा, कुछ आईएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सीबीएसई भी देख लेते हैं बीच बीच में, और खासकर नीट के हमारा है ये, तो क्वेश्चंस को ऐसे साथ प्रैक्टिस करते चले, समझते चले, एंड तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि अब क्वेश्चंस के ही सीरीज चालू हो गई है, जैसा कि हम लोगों ने पहले कमेंट किया था कि सिलेबस फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साउथ सिटी चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे अपने बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र सर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए चैप्टर के नीट आईएससी पीवाईक्यू लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा। तो तैयार रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही आपको नए नए मैसेज मिलेंगे। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक